के बेटे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में इस होटल का चैन खोल रहे हैं। बॉम्बे में 3-4 रहेगा, लखनऊ में है, गोवा में है, दिल्ली में है और बनारस में भी है। तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। और आपको नहीं लग रहा कि आप अपने घर में आए हुए हैं? बिल्कुल। ये जगह जो है जहां हम आज पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री अपने घर में पार्टी कर रही है, क्योंकि ये भोजपुरी से ही है, गाजीपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले 4 भोजपुरी फिल्में बना चुके हैं, अभी भगवान ने चाहा तो फिर अच्छी फिल्म बनाएंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुभाष भैया का। हमारे बीच में हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। मनोज तिवारी इस फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र तिवारी के बड़े भाई भी हैं, जोरदार ताली बजाइए। इस फिल्म के प्रोड्यूसर चौधरी साहब जसवी चौधरी जी, आप सोच सकते हैं कि फिल्म बनाना और सबको इकट्ठा करना, और सच्चाई है कि फिल्म बनाना और मेंढक तोड़ना बराबर होता है। एक को पकड़ के लाओगे दूसरा कुछ कूद के निकल जाएगा, दूसरा पकड़ के लाओगे तीसरा कूद के निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है और देवेंद्र जी ने इस चीज को बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत काम किया है और मुझे लगता है कि आपको फिल्म पसंद आएगी। तो चौधरी साहब के लिए एक जोरदार ताली बजाइए भैया। देवेंद्र जी कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? हाँ, ये देवेंद्र भैया बेसिकली ये फोटोग्राफर हैं। कई बहुत बड़ी हिट हिट फिल्मों के इन्होंने फोटोग्राफी की है, पहली बार फिल्म डायरेक्ट किए हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। आप देवेंद्र जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए दोस्तों। और किसके लिए क्या बोलूं, सब तो हैं यहाँ अपने ही। अब इस फिल्म के हीरो पवन सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। और इनकी तारीफ में कुछ कहना नहीं है क्योंकि इनकी अपनी तारीफ आप सबको मालूम है। आप प्लीज कहाँ गए हमारे, मैं चाहूंगा कि सुभाष भैया कुछ दो शब्द बोले प्लीज भैया, दो शब्द, खाली दो शब्द। धन्यवाद, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खास करके उस नौजवान को जो बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ है, छोटा भाई कौन से, जिसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। जो संस्कार माता पिता ने दिया है, मैं उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज भी उस ऊंचाई पे पहुँचने के बावजूद भी वो आदमी ने अपना संस्कार नहीं छोड़ा है। और ब्रजेश भैया ये तो हमारे बड़े भाई पिता समान हैं। पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन एक चीज़ मैंने एक मुहिम छेड़ी है, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा मुझे सहयोग चाहिए और वो आप लोगों के लिए। जिस तरह से मराठी फिल्में यहाँ के मल्टीप्लेक्स में PVR वगैरह में लगती हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत बड़ा प्रपोजल बनाया है कि बम्बई के हर मल्टीप्लेक्स में, हर PVR में, सिनेमैक्स में कम से कम एक शो तो भोजपुरी फिल्मों को मिलना चाहिए। इसके लिए सिग्नेचर की मुहिम छेड़ी जा रही है, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं और मुंबई के माननीय
जो आज सरकार में लोग हैं और शिवसेना के वरिष्ठ हैं, माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा कि आज उत्तर प्रदेश से आकर के लोग मुंबई में, मुंबई को बनाने में जितना योगदान उत्तर भारतीयों का है, तो मैं चाहता हूं कि उन्हें भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से उनको सम्मान दिया जाए। और जिस तरह से कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में हमारी फिल्में लगती हैं, जब ये मल्टीप्लेक्स में बाकी जगह एकाध शो भी दिन में मिल जाएगा, तो वहां के जो हमारे लोग हैं उनको देखने जरूर जाएंगे। और मेरी शुभकामना आप लोगों के लिए है, और ये जो फिल्म आपकी है मैंने उनको सजन चुन लिया, और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बिजनेस करें, और मेरा जब भी सहयोग रहेगा मैं आप लोग के साथ हूँ। और आप लोगों की बदौलत, नहीं तो बम्बई शहर से रहने वाला लड़का उत्तर प्रदेश में जाके से दूसरी बार विधायक बनता है, तो ये आप लोग का प्यार और दुलार है। चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश निरहो हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे वो किसी भी दल में हो, लेकिन हम लोगों के सम्मान को, हमारे उत्तर प्रदेश के गरिमा को, उत्तर भारतीय भाषा को, भोजपुरी फिल्मों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है, मैं उनको सलाम करता हूँ। आज राहुल, विशाल और आकांक्षा ये लोग मिलके चला रहे हैं, और इसी की चैन, ये जैसे भैया ने बताया लखनऊ में है, बम्बई में, खोलने सब जगह जा रहे हैं, तो ये आप लोग का घर का होटल है, जब भी है आप लोग अपना समझ करके, जिस तरह से भैया ने बताया, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, और हमेशा मेरा सहयोग आप लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेस की बात की, भैया के ससुराली फिल्म बनाई थी भैया ने, सुभाष जी ने, और सामने जो सिटी मॉल है इसके दो दो शो बुक थे, दो शो एक साथ बुक थे, और इन्होंने प्रीमियर किया था सिटी मॉल में, भैया के ससुराली। इनकी सोच बहुत अच्छी है, अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग इसमें भी कामयाब होंगे। मैं चाहूँगा कि मनोज तिवारी जी जो बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, मेरे तो बहुत छोटे भाई हैं, मैं बरसों से जानता हूँ, मैं चाहूँगा दो शब्द वो भी। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी प्रोमो देखा है, और 4.5-5 मिनट का प्रोमो है, बड़ी बड़ी फिल्मों का होल्ड नहीं करता, जितना अच्छा ये प्रोमो लगा है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। सुपर, मेरे दोस्त को दिखाया, उनको भोजपुरी नहीं आता, दिल्ली से हैं, बोले यार ये तो रोहित शेट्टी की फिल्म लग रही है, बोला नहीं उससे ऊपर होगी, और उस लेवल का जिसने भी प्रोमो काटा है, जो शूट किया है, जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरामैन हैं, जिन्होंने लिखी है, पूरी टीम को, जिन्होंने प्रोड्यूस किया, जिन्होंने एक्ट किया, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कमाल का है, और ऐसे ही प्रोमो, ऐसे ही फिल्में बनेगी तो जाके इंडस्ट्री और ऊपर जाएगी। तो सोच इतनी अच्छी है फिल्म मेकिंग की, तो नो डाउट आज हम यहाँ नहीं, बहुत आगे जाएंगे। और भैया ने एक बात बोली मल्टीप्लेक्स, सामने वाली मल्टीप्लेक्स वाली खुद बुलाएंगे प्रोमो देख करके, नहीं हमारे यहाँ भी रिलीज होनी चाहिए, दो चीजें हैं। और पवन जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन देवेंद्र जब से काम करने लगे हैं तो कुछ रिसर्च करता हूं और देखता हूं इनकी फैन फॉलोइंग, बड़े बड़े हीरो लोगों की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी पवन जी की है, और लोग जानते हैं और रियल में स्टार हैं और हीरो लगते हैं, जिनको हीरो बोलते हैं वही हीरो लगते हैं। तो आगे यही नहीं, सिनेमा बहुत आगे तक जाने वाला है, और पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं शुरुआत जानते हैं ब्रजेश जी, मैं कहाँ से किया, किस तरीके से किया, कैसे सिनेमा में आया, देवेंद्र जी आए, धनंजय आए, मेरे भाई लोग आए, किस तरीके से इसको आगे लेके आया, बिगनिंग में जुड़ा रहा भोजपुरी सिनेमा से, काफ़ी फिल्में किया भोजपुरी की, उसके बाद से आज जगह पे आया जो हॉलीवुड की फिल्में डायरेक्ट करता हूँ, मेरी बहुत लगाव है मातृभाषा होने के नाते, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है आज मेरे भाई लोग इस सिनेमा से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मेरे भाई ने बहुत ही बेजोड़ फिल्म का प्रोमो मुझे दिखाया, आशा है फिल्म भी इससे ऊपर होगी। थैंक यू सो मच। बाकी काम आप करो तो पूरा टेक्निक सीखने को मिलता था, पैसा भी मिलता था, काम करने को मिलता था, पूरा डायरेक्शन में सीखा। जब हिंदी सिनेमा में गया तो लोगों बोले यार तुमको तो बहुत अच्छा काम आता है, तुम इतने असिस्टेंट क्यों, तुम डायरेक्टर बनो। तो फिर मैंने पहली फिल्म जब जोर किया सनी देओल सुष्मिता सिंह जी, साउथ का डायरेक्टर था और सनी देओल का ऑरा बहुत बड़ा था, तो गलत डायलॉग भी बोलते तो कोई बोलता नहीं, अरे चुप रहो बोलो नहीं, मैंने गलत बोला तो बोलूंगा क्यों नहीं भाई, जब बोलता था तो सनी देओल बोले नहीं ये आदमी हमेशा जी जब तक ओके नहीं बोले कोई शॉट नहीं दुआ। उसके बाद उनके साथ इंडियन चैंपियन दिल लगी सही 2500 फिल्में किया, लास्ट फिल्म थी घायल वंश अगेन जिसका क्रिएटिव डायरेक्टर था, 2-3 फिल्में भैया ने भी मेरे साथ काम किया, पहली फिल्म डायरेक्ट किया सुभाष घई के लिए, पहली फिल्म पूर्वांचल से आकर के घई साहब की फिल्म डायरेक्ट करना, और 33 साल के करियर में पहला आदमी हूं उनका असिस्टेंट डायरेक्टर बना, आज तक कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बना। दूसरी फिल्म बनाया ग्लोबल बाबा, अभी एक फिल्म बना रहा हूँ
जिसका अधिवंदन ने डीओपी काम किया, माइंड ब्लोइंग है, अच्छी फिल्म बनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो जुनून है कि फिल्म अच्छी बनाएंगे, कम काम करेंगे नहीं, अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच। है कुछ यहाँ, कुछ यहाँ पूरा होते दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था, साफ सुथरी फिल्म बननी चाहिए, वो सामने है। और भोजपुरी इंडस्ट्री का जो डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार थोड़ा सा हट के हम लोगों ने काम किया है, कोशिश किया है परिवर्तन लाना, वो आप लोगों की समक्ष है। अब आप सबों का सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है। मैं आप सबों का बहुत बहुत आभारी हूँ, ताकि ये फिल्म अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। फिल्म मैंने नहीं बनाई है, मेरे पूरी टीम ने बनाई है। ये बना सकता है, इसमें बहुत बड़ा था जो पवन जी का था, जो इतनी बड़ी फिल्म हमने बनाए, बहुत मेहनत सब लोगों ने किया, मैंने भी किया, लेकिन काफ़ी मेरे पवन जी थी इसमें बहुत काम किया। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरी पहली पिक्चर थी, ये उम्मीद किसी को नहीं था, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, मैंने आज सामने दिया। आज मुझे बहुत खुश हुआ कि जब मैंने आज ट्रेलर जो लॉन्च किया है, जो इतना प्यार पब्लिक ने दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनाई है। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही, आपके सीने में सही, आपके सीने में सही, आपके सीने में सही, हो कहीं ये आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों ये फिल्म इतिहास बनाने जा रही है, ये मेरा सबों का विश्वास है। पवन जी बोले, आज कितना खुशी के बात बा। सबसे पहले तो यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी भाई हैं, मीडिया से हमारे जितने भाई आए हैं, सबके पैर छू के प्रणाम, मेरे को ताली बजा के आशीर्वाद दे दिया जाए। बहुत ही खुशी के बात बा, मुंबई शहर में अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में, अपने होटल में हम लोग फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का म्यूजिक लॉन्च किए कर रहे हैं, और आज ट्रेलर भी लॉन्च भइल है। सुभाष भैया यहाँ मौजूद बानी, मनोज तिवारी भैया मौजूद बानी, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम यह कहब कि मेहनत करे के बाद, रोज सीखे के बाद, और हमारे श्रोता जो मेरे भगवान हैं, वो बस आशीर्वाद दें। हाँ, और भी एक खुशी की बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे देवेंद्र बाबा फेवरेट कैमरामैन हमें प्रोजेक्ट जब आई हमारे सामने कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, मैंने बोला भाई लव यू, दिल से मेहनत करेंगे। आज मैंने ट्रेलर देखा, 4-5 बार देखा, वो शॉट 20 बार देख ली है। आगा के उठ लाली लगावलो, बाप दादा के मुंह से सुन ले बन जाए कि पुरान चावल के ही पंथ परेला। पुरान कभी पुरान हुई ही नहीं कह सका, तो नया था, नया है और नया रहेगा। यहाँ पे मौजूद है, एक ताली हो जाए, जय हो, लव यू। मैं 10 लाख व्यूवर यूट्यूब पे, जियो मेरा भोजपुरिया समाज, जय हो। ट्रेलर देखते हैं। सबके नमस्ते, सबसे पहले डायरेक्टर हैं, बाद में पहले मेरे हम लोग साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं हर चीज। ये फिल्म मुझे नहीं लगता है कि आज रात में हम लोग सोएंगे। हाँ, कुछ और नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज बनेगा ही बनेगा। ये टीम है एक, हम लोग बहुत खास एक अपनत्व के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल, और मुझे कंपनी का बहुत बड़ा सहयोग है। एक गाना और हो जाए, एक कुछ और हो जाए आपके मुंह से। बहुत खुशी होती है कि इनकी आवाज, इनके डायलॉग डिलीवरी, इनके स्टाइल, इनके चलने का स्टाइल, इनके हेयर स्टाइल और इनके लुक की दीवानगी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला
हमारा भाई पवन सिंह, डिजिटल का किंग। और बहुत खुशी होती है इस बात पे और गर्व होता है कि हम एक ही शहर से हैं, एक ही जिला से हैं, आरा जिला घर बात कौन था बात या। तो भाई के लिए बहुत सारा, अरे भाई, अरे भैया भी तो हमारे बाबा भी आरा से। तो आइए, ये बात आरा के लिए, पूरे पूरा दुनिया इनको प्यार करता है, ये बहुत खुशी की बात है। सब मानते हैं कि कोई भी भाई के खिलाफ बात होती है, बाप रे बाप कितने दीवाने हैं लोग उनके सिर का क्या, उनके शरीर का एक एक रोम खींच के निकाल देंगे। तो ये दीवानगी है पवन सिंह की, इनके बारे में ज्यादा क्या कहूंगा। ट्रेलर रेडी है, एक बार फिर से देखते हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया। ट्रेलर आप सबों के सामने है, ट्रेलर में वो सारे चीज मौजूद है जो पब्लिक का डिमांड, भोजपुरिया समाज के डिमांड रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारी पूरी टीम ने एक कोशिश किया है वो सारा चीज़ उसमें उपलब्ध हो, वो मौजूद है जी। फिल्म के जो हीरो हैं, पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनका, कितना सहयोग उनके बारे में दुनिया में कौन नहीं जानता है, गायकी में, एक्शन में, एक्टिंग में पूरी दुनिया उनका लोहा मानते हैं, और उनका जितना भी बड़ाई किया जाए वो कम है जी। और फिल्म के डायरेक्टर साहब की बात करें, ये जो फिल्म बनी है ना, मैंने उनको सजन चुन लिया, कई लोगों का सपोर्ट से बनी है, और उसमें किन्हीं किन्हीं लोगों का विशेष सपोर्ट रहा है, उनमें से हमारे डायरेक्टर साहब श्री देवेंद्र तिवारी जी है, इनके अंदर में वो जुनून था, उनके अंदर में वो कार्य करने की क्षमता थी, और उन्होंने एक करके दिखाया। ये विश्वास और भरोसा के जो पात्र हैं, ये सबके सामने परिलक्षित हैं, और उन्होंने ये सारी चीज़ करके दिखाया हमारी पूरी टीम को, किस तरफ चलना है, कैसे चलना है। मैं इस लाइन में बिल्कुल अनभिज्ञ था, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, आँख बंद करके इनके ऊपर भरोसा किया, उस भरोसा पर ये हमारे देवेंद्र तिवारी जी डायरेक्टर साहब पूरा 100% खड़े उतरे। तो क्या उम्मीद है फिल्म को लेकर के, जो आपने सोचा था, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ? अभी 9 बजे ट्रेलर लॉन्च हुआ, मैंने शाम में देखा 6 लाख के लगभग में व्यू आ गया है, अभी 10 लाख हो गया। अभी पवन जी का इतना फैन फॉलोइंग है कि आते 12 घंटा से 24 घंटा होते होते बहुत ज़्यादा संख्या चला जाएगा, और मुझे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है, ये जो मैंने उनको सजन चुन लिया फिल्म है, एक इतिहास रचेगी, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रांति आएगी, एक नया इतिहास बनेगी जी। देवेंद्र जी, बात करें आपसे, एज ए डायरेक्टर है, आपकी पहली फिल्म थी, आपने एज ए डीओपी ढेर सारी फिल्मों में तो आपने जो किया है और सब कुछ जान दिखता है, ये एज ए डायरेक्टर आपकी ये पहली फिल्म है, और आप किसके डीओपी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? पहले तो मैं डीओपी हूं, बाद में डायरेक्टर हूं, और जो मैंने सोचा था उसके ऊपर हमारी फिल्में बनी है, बहुत मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था। अगर अच्छे प्रोड्यूसर नहीं मिलते तो शायद मैं ये ऐसा कामयाबी, ऐसा फिल्में नहीं बना पाता जी। तो मैं सबसे बड़ा इसमें सपोर्ट मेरा सहयोग का धन्यवाद मैं बोलूँगा हमारे एसपी चौधरी प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने जो भी मैंने मांगा उन्होंने दिया। तो एक प्रोड्यूसर देता है तो एक डायरेक्टर का यही होता है कि उसने जितना हो सके, आप जो सोचे हो वो चीज़ उतार सकते हो। अब मुझे इतना उम्मीद नहीं था जितना आज मेरे भाई लोग सब लोगों ने देखा, जो टेलर का इतना प्यार मैं नहीं सोचा था, इतना प्यार मिला, आज बहुत मैं खुश हूँ, अब मुझे बहुत खुशी मिली है कि जो सोचा नहीं था उसके ऊपर मैंने टेलर, तो टेलर ये है, तो अभी फिल्म तो बाकी है जी। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं सामने है। डीओपी से डायरेक्टर बनने का खास वजह क्या रहा? ऐसा कुछ वजह नहीं था, एक मेरा एक ख्वाहिश था, एक तमन्ना था मेरा कि मैं चाहता था कुछ एक अलग करने के लिए, एक चीज़ें बनाने के लिए। वो तो मेरा जो खास है वो सामने दिखेगा कि इतना फिल्में मैंने किया है, जे डीओपी या जे डायरेक्टर पहली बार किया हूँ, तो ये अंतर तो पब्लिक बताएगी कि मैंने क्या अंतर है बाकी फिल्मों से, ये फिल्मों का। ये भी वजह हो सकती है जो सब्जेक्ट था उसको कहीं ना कहीं आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, ऐसा लगा था। ऐसा लगाव था मुझे वैसे, इसलिए मैं चाहा कि इसको अच्छी तरीके से, एक मेरा एक तमन्ना था कि भोजपुरी में एक अच्छी फिल्म बनाए। बाकी मैं तो डीओपी हूँ, डीओपी रहूँगा। सर, स्टार कास्ट की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? जितना मैं बोलूँ उतना कम है, और मेरे जो पावर स्टार पवन जी हैं, तो एक स्टार के साथ में दोस्त कम भाई हैं मेरे, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भाई जैसे हैं। उनका प्यार, उनका सपोर्ट इतना रहा, तो शायद वो तो सबको पता है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्में मैं बना नहीं पाता। पहला डायरेक्टर के लिए डायरेक्शन में
अब पहले नए डायरेक्टर के लिए ना इतना पॉसिबल नहीं है पवन जी को लेकर के फिल्म बना जी जो मैंने बनाया, तो इसमें तो उनका जो सपोर्ट है उनका जितना सपोर्ट है मैं उनका तो तारीफ जितना कम करूँ उतना कम है। रिलीज का प्लानिंग इस महीने में प्लानिंग सोचा हूँ, दो दिन में मैं इसको क्लियर कर दूंगा, डेट अनाउंस कर दूंगा, सबको बता दूंगा कभी रिलीज करूंगा। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ पर हुई है? इस शूटिंग मैंने मेरी सब्जेक्ट जो थी टाइटल से आपको लग गया होगा, लोग टाइटल में क्या है रोमांटिक सोचते होंगे, मैंने सारे चीज़ रखा है इसमें, रोमांटिक के साथ में एक्शन भी है, रोमांस भी है, इमोशन भी है, सारे चीज़ है। और जो ये लोकेशन था अगर मैं चाहता सब्सिडी के चक्कर में तो शायद मैंने ऐसे फिल्में नहीं बना पाता, अगर मैं रांची जाता यूपी जाता सब्सिडी चक्कर में, तो मेरा जो स्टोरी का डिमांड था वो था उत्तराखंड का, तो मैंने इसको देहरादून में पूरी पिक्चर को बनाई है। वो तो आप लोग देखोगे तो खुद ही आपको पता लग जाएगा, ये लोकेशन मैंने पहली बार ऐसा लोकेशन यूज हुआ है जो अभी तक नहीं हुई है भोजपुरी में, चाहे लंदन चले जाइए चाहे अमेरिका चले जाइए वो चीज़ नहीं मिलता है, लंदन में लंदन ही मिलेगा, वो बिहार नहीं मिलेगा, यूपी नहीं मिलेगा। मेन लीड में हमारे काजल जी हैं, काजल अगवानी हैं, प्रीति विश्वास हैं, अमरपाली जी हैं, अंजना जी हैं, ये लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं, अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद फिल्म नहीं बना पाते। तो सारे आर्टिस्ट जितने आर्टिस्ट हैं जितने हमारे फिल्म भाई लोग थे, चाहे अपना अमित शुक्ला जी हुए, नितिन भाई हुए, जय भाई हुए, बलेश्वर भाई हुए, आयाज खान हुए, हमारा ब्रजेश त्रिपाठी जी थे, तो सारे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। म्यूजिक डायरेक्टर का भी सपोर्ट अच्छा रहा, तो इतनी अच्छी म्यूजिक मैंने बनाई। बाकी अब आप लोगों की सपोर्ट चाहिए हमारे राइटर, तो आप लोग तो फिल्म देख करके लग गया होगा कि हमारे राइटर जो भाई हैं सुरेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने क्या लिखा है, वो आप लोगों के सामने खुद समक्ष आने वाला है, तो ट्रेलर से पता लग गया होगा। और बहुत अच्छी इन्होंने स्टोरी लिखी है, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन था, बहुत सारी फिल्में इन्होंने लिखे थे, ये लिखते हैं उसी के लिए। सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एस पी चौधरी जी की पहली फिल्म है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई, जैसे कि बॉलीवुड के डायरेक्टर मनोज तिवारी जी ने कहा कि फिल्म का ट्रेलर देख उनको लगा कि यही तो रोहित शेट्टी जैसी फिल्म है, तो कहीं कि आपकी लेखनी का भी कमाल रहा है इतनी फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म बनने की। थैंक यू। लेकिन देवेंद्र जी ने जब मुझे, मैं उस वक्त बनारस था, मुझे कॉल गया कि यार एक फिल्म बनानी है, उसका टाइटल ए है, मैंने उनको सज्जन चुन लिया, तो टाइटल रोमांटिक था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने पेपर वर्क किया बहुत सर एज अ डायरेक्टर देवेंद्र जी के साथ बैठ करके, और कहानी बहुत यूनिक है फिल्म की, जैसा कि टाइटल रोमांटिक है तो रोमांटिक हम लोगों ने केवल रोमांटिक नहीं रखा, फिर उसको एक्शन मूड लाने के लिए जो पावर स्टार पवन सिंह जी का अपना है, तो हिसाब से हम लोगों ने पूरा उसको एक्शन भी किया रोमांटिक भी किया, बाकी प्रोड्यूसर साहब ने बहुत सहयोग किया देहरादून में, सब अच्छा रहा। सर अंत में चलते चलते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? दर्शकों से ही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए इस फिल्म को और अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।